अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला और हम बात कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। किस तरह से हम अपनी लापरवाही की वजह से, लापरवाही आ जाती है हमारी डाइटरी हैबिट्स में कि हम खानों में किन चीज़ों का इंतखाब करते हैं, और हमारी पुअर लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंट यानी डायबिटीज़ के किनारे पर पहुँचा देते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो मोटापा है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ क्यों एसोसिएटेड और क्यों कहा जाता है कि जो लोग ओबीज हैं वो डायबिटीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। आपके पास जो ओबेसिटी है, जब आपके पास फैट सेल्स का नंबर, चर्बी वाले सेल्स का नंबर और उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर मौजूद एक ताला होता है जिसकी शेप चेंज हो जाती है। ये वही ताला है जिसको इंसुलिन ने आकर एज अ चाबी एक्ट करना था, उस पर अटैच होना था, उसको खोलना था और उसके अंदर ग्लूकोज भेजना था, ऑक्सीजन भेजनी थी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भेजने थे। जब हम बहुत ज़्यादा तले खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड आइटम्स खाते हैं, शुगरी फूड आइटम्स खाते हैं, तो हमारे जो एडिपोसाइट्स हैं यानी हमारे जो फैट सेल्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जब वो सेल्स बड़े होते हैं तो उनकी झिल्ली के ऊपर जो ये ताला होता है इसकी शेप बदलना शुरू हो जाती है। जब इस ताले की शेप बदलती है तो जो इंसुलिन है, जो चाबी का काम कर रहा था, वो इस नए ताले को नहीं पहचानता और इसलिए वो इसको खोलने में नाकाम हो जाता है। उसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं जा पाते और इस कैफियत को आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होना कहते हैं। और जब ये कैफियत कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए आपकी बॉडी में परसिस्ट करती है और अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको करेक्ट नहीं करते हैं तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। इस वजह से हमारे पास जो ओबीज लोग हैं, ख़ास करके वो लोग जिनको सेंट्रीपेटल ओबेसिटी है यानी पेट के हिस्से में उनको मोटापा है, वो आपके पास डायबिटीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसकी रीज़न ये है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो बहुत आगे हैं लेकिन हमारी इस कंफर्ट जोन ने हमें बहुत सेडेंट्री कर दिया। हम सुस्ती का शिकार हैं, हम पूरे दिन बैठा रहना चाहते हैं, वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना पाते। इसकी वजह से हमारे पास जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अफेक्ट होती है, जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो बहुत अफेक्ट होती है। अगर हम डेली 30 to 35 minutes या 40 minutes की कोई एक्टिविटी करें तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन, जो लिम्फ सर्कुलेशन है, वो अच्छी होगी और वो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के सारे सेल्स में, हमारे मसल सेल्स में, हमारे फैट सेल्स में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बेटर प्रोवाइड करेगी। वर्जिश एक और भी बेहतरीन काम करती है, ख़ास करके अगर आप एरोबिक एक्टिविटी करते हैं यानी वो एक्टिविटी जो आप आउटडोर में करते हैं, घर से बाहर करते हैं सुबह के टाइम जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। ये बहुत खूबसूरती से आपके जिस्म में इंसुलिन और कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे लेकर आता है अगर आप डेली 30 to 35 minutes आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, और ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं भी और आप वो सारे सिम्टम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है, तो आप 30 से 35 मिनट की वॉक, एटलीस्ट लॉन्ग वॉक या ब्रिस्क वॉक आउटडोर शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो जिस्म है वो इंसुलिन सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ अच्छी और बेहतरीन जो है वो डाइटरी लाइफ चॉइसेस जो हैं उसका भी इंतखाब करें। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लें, आप हाई फाइबर फूड्स लें, आप फलों, सब्जियों, दालों, नट्स और लीन मीट का इंतखाब करें ताकि आपकी जो बॉडी है वो फैट, अननेसेसरी फैट, गैर ज़रूरी फैट जो है उसको बर्न करें, आपके फैट सेल्स जो हैं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आए और इंसुलिन जो है वो अपने ताले पर असर करे, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके जिस्म से कम हो और इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ आपकी बॉडी आए। दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ फॉर यू। अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं और डायबिटिक नहीं होना चाहते हैं, सिर्फ अच्छी डाइटरी लाइफस्टाइल चॉइसेस करके अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।